जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को तिहाड़ की जेल में 3 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और जब से उनके प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई है तब से ये मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस पर सफूरा के पति का बयान भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ट्विटर पर ट्रॉल किए जाने के बारे में नहीं बताया। सफूरा से उनकी माता पिता और ससुराल वालों के स्वास्थ्य को लेकर ही अधिकतर बातचीत हुई। वो आगे ये भी कहते हैं कि ये उनके लिए आश्चर्यजनक नहीं है कि सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। यकीनन ये उनके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। उन्होंने अपनी पत्नी को 13 अप्रैल से नहीं देखा है। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सफूरा का परिवार उनको लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। उनकी बहन ने एक ओपन लेटर भी लिखा जिसमें ये लिखा गया कि लॉकडाउन के वक्त पर गिरफ्तारी और उनसे संपर्क करने की कोशिशें नाकाम, ये एक तरह से धीमी मौत की तरह महसूस हो रहा है। बहन ने खुलकर सफूरा का समर्थन किया है लेकिन दूसरी ओर उनके पति ने सामने आने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि सफूरा के परिवार को ये विश्वास है कि वो इस मुश्किल की घड़ी से बाहर आ जाएंगी और साहस दिखाते हुए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।